नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल में टू टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज ही होगी दिवाली। खाते में आएगा सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन। 7 महीने के एरियर का एक ही किश्त में होगा भुगतान। केंद्र की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की पेशकश श्रमिक संगठनों को मंजूर नहीं। शुक्रवार के प्रस्तावित हड़ताल को रद्द करने से किया इनकार। न्यूनतम मजदूरी को 18,000 रुपए प्रतिमा करने की मांग। हरियाणा में जस्टिस ढींगरा कमीशन आज सौंप सकती है अपनी रिपोर्ट। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले की जांच के लिए बनाई गई थी कमीशन। कांग्रेस ने कमीशन की निष्पक्षता पर उठाए हैं सवाल। केंद्र सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले की नई पेशकश। अगड़ी जाति के गरीबों के लिए मांगा 25% का आरक्षण। प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे अपना प्रस्ताव। और जेएनयू परिसर में देश विरोधी कथित नारेबाजी करने वाले छात्र नहीं कर पाएंगे मतदान। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव में वोट देने का अधिकार छीना। छात्रों ने कोर्ट जाने का मन बनाया। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश होने का अनुमान जताया है, बल्कि यही स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रह सकती है। सुबह 8 बजे से बारिश शुरू होने के कारण जगह जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दफ्तर के लिए निकले लोग जगह जगह जाम के कारण फंसे हुए हैं और जम जमाव के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में सेक्टर 4 समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सड़कों पर धैर्य के साथ निकलने की अपील की है। जगह जगह सड़क पर जमा पानी को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। दिल्ली में हो रही बारिश के कारण हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट से 11 उड़ानें देर हुई है। 13 विमानों के उतरने में भी देरी हो रही है। हरियाणा में जमीन घोटाले को लेकर बनाए गए जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट सियासी हलकों में बवाल मचाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सरकारी अधिकारियों को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र सहित अनेक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं और इनमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है। एक बार फिर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट और उससे जुड़ी दूसरी कंपनियां कानून के शिकंजे में फंसती नजर आ रही हैं। जस्टिस SN ढींगरा जांच आयोग की रिपोर्ट ने इस बार रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और कांग्रेस के नजदीकी लोगों को निशाने पर लिया है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस ढींगरा आज अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप रहे हैं। देश के करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार द्वारा किए गए बदलावों को बाद बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार आखिरकार आज समाप्त हो रहा है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आज सातवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ा हुआ वेतन आज जाएगा। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ इससे पहले की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सभी विभागों ने अपने अपने कर्मचारियों को उनके वेतन मान के अनुरूप स्लिप दे दी है। ये प्रक्रिया पिछले 20 दिनों में ही पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार कुछ एनोमलीज की शिकायत के बाद सभी संबंधित विभागों ने अपने अपने बोर्ड बैठा दिए हैं। इनके माध्यम से सभी की शिकायतों को दूर किया जाएगा। सरकार की ओर से केंद्र कर्मचारियों को पहले ही साफ कर दिया गया था कि उनका पूरा एरियर एक ही किश्त में मिल जाएगा। सभी कर्मचारियों को इसका भी इंतजार है। केंद्र सरकार ने अकुशल क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए तय कर दिया है। साथ ही केंद्र कर्मचारियों को पिछले 2 वित्तीय वर्षों का संशोधित बोनस देने का ऐलान भी किया गया है। अंतर मंत्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिए गए निर्णय पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार संशोधित दर से साल 2014 से 15 और 2015 से 16 के लिए बोनस देगी। इस निर्णय के संबंध में जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। बोनस के भुगतान में 1920 करोड़ रुपए का भार प्रति वर्ष के हिसाब से सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसके आगे का बोनस का निर्धारण सातवें वेतन आयोग पर गठित समिति करेगी।
उन्होंने कहा कि संशोधित बोनस अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही बोनस भुगतान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार कदम उठाएगी। हड़ताल की अपील करने वाले श्रमिक संगठनों को गैर खेतीहर मजदूरों के लिए 350 रुपए न्यूनतम मजदूरी मंजूर नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सीटू की मांग है कि कम से कम 18,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन तय हो। दिल्ली में सीटू के दफ्तर में रखे पोस्टर बताते हैं कि 2 सितंबर की हड़ताल की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 10 बड़े मजदूर संगठन सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हड़ताल से ठीक पहले गैर खेतीहर मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए करने का ऐलान करके नरमी दिखाने की कोशिश की, लेकिन लेफ्ट से जुड़े ट्रेड यूनियनों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराते हुए हड़ताल जारी रखने की बात कही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता से पहले कल अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की। इस दौरान स्वराज ने जहां एक और कहा कि दोनों देश आतंक निरोध के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ कर सकते हैं, वहीं भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद पर दोहरा मानदंड नहीं हो सकता। सुषमा स्वराज और कैरी ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सुषमा स्वराज ने कहा आतंकवाद पर दोहरा मानदंड नहीं हो सकते। अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर सहमति जताई। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर घुसपैठ की जानकारी जॉन कैरी को दी गई। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि कोई भी देश अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसे दो मानदंड नहीं रख सकता। पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा, जैश मोहम्मद और दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। पठानकोट और मुंबई के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी होगी। भारत और अमेरिका के बीच हुए सैन्य संयोग से संबंधित ऐतिहासिक समझौते ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका की सेना मरम्मत और सप्लाई को लेकर एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और जमीन का इस्तेमाल कर सकेगी। भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते को लेकर चीन और पाकिस्तान की घबराहट और बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन को काबू में रखने के लिए ओबामा के कार्यकाल में ये एक महत्वपूर्ण करार है। दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर के चीन की अकड़ के मद्देनजर भारत के साथ अमेरिका का ये समझौता बेहद अहम है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका इस समझौते से मिलने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल अपने समान दुश्मन और मजहबी आतंकियों के खिलाफ भी करेंगे, और ये सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दूरियां भारत और अमेरिका से लगातार बढ़ती जा रही है। इस रक्षा समझौते का चीन पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ेगा। दोनों देशों को एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और आतंकवाद के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी हद बता दी है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत जलील अब्बास जुलानी ने वो हरकत की है जिस पर पूरे देश को अमेरिका ने एक सख्त संदेश दिया है। दरअसल पाक राजदूत ने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें पत्नी के साथ अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तानी राजदूत ने उनका भरोसा तोड़ा है। अमेरिका की नज़र में राजदूत जलील का ये बर्ताव आपत्तिजनक था और इसी वजह से उन्हें फटकार लगाई गई है। हालांकि पाकिस्तान ने इन खबरों को खारिज किया है कि अमेरिका ने उसके राजदूत को फटकार लगाई है या नाखुशी जाहिर की है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा मई महीने में सरप्राइज विजिट पर वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी पहुंची थी। मिशेल के इस दौरे के कारणों का पता नहीं चला, जबकि ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर चौथी बार हस्ताक्षर तो कर दिया, हालांकि वे इसे लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। सरकार इसे संसद से पारित नहीं करवा पाई है और सूत्रों ने बताया कि केंद्र कैबिनेट के समक्ष रखे बिना ही यह अध्यादेश इस बार राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने नोट में मोदी सरकार से कहा कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन आगे से कभी कैबिनेट को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब कोई अध्यादेश कैबिनेट से पास कराए बिना ही राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार एवं लेन देन की नियम संख्या 12 का उपयोग करते हुए शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन से जुड़ा अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा था। केंद्र सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने नौकरियों में अगड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण देने की वकालत की है। अठावले ने कहा कि नौकरियों में अगड़ी जाति के करीब लोगों को 25% आरक्षण दिया जाना चाहिए।
रामदास अठावले के मुताबिक ऐसा करने से आरक्षण को लेकर चल रही बहस भी खत्म हो जाएगी। अठावले ने कहा कि नौकरियों में 75% आरक्षण कर देना चाहिए, जिसमें से 25% अगड़ी जाति के गरीब लोगों के लिए हो। इतना ही नहीं, अठावले ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करने की बात कही। अठावले ने कहा कि वे पीएम मोदी से बात करेंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस बारे में बात करके कोई संशोधन करने की भी बात कही। जेएनयू परिसर में देश विरोधी कथित नारेबाजी के सिलसिले में विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। देशद्रोह विवाद में अपनी कथित भूमिका को लेकर जिन 21 छात्रों को दंडित किया गया है, उनका नाम 9 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। छात्रों के नाम मतदाता सूची से इसलिए काट दिए गए हैं क्योंकि 9 फरवरी की घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ जुर्माना लंबित है। छात्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 6 महीने से एकेडमिक गतिविधियों में बाधा पैदा कर रहा है। उनके खिलाफ दंड का आदेश 23 अगस्त को जारी किया गया और उन्हें जुर्माना भरने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई, जिसकी अवधि अभी समाप्त होनी बाकी है। इस फैसले के खिलाफ अब पीड़ित छात्र कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश देने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से पहले दरगाह प्रबंधन ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। एक सदी पुरानी दरगाह के न्यासी ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर इस मुद्दे पर हमने विस्तार से चर्चा की है और प्रबंधन के हर सदस्य की राय मांगी है। अन्य पक्षकारों के विचार जानने के लिए हम कई दौर की बैठकें करेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को धार्मिक विद्वानों के साथ बैठकें की जाएगी और मुंबई और दिल्ली स्थित परिषदों से भी परामर्श लिया जाएगा, जिसके बाद ही इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला होगा। महिलाओं को साल 2012 तक मजार तक जाने की इजाजत थी, लेकिन बाद में धार्मिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। भ्रामक विज्ञापन के मामलों में ब्रांड एम्बेसडरों और मिलावट में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के बारे में सख्त कानूनी उपायों पर अंतिम फैसला करने से पहले सरकार अन्य देशों के कानूनों का अध्ययन करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने ये फैसला किया। इस प्रस्तावित विधायी मसौदे में भ्रामक विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी को 5 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर दिया जाएगा। गुजरात के सौराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान एक हादसा होते होते बच गया। इस हादसे में दूरदर्शन का कैमरामैन तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसका कैमरा पानी में बह गया। अगर समय रहते पीएम मोदी ने अलर्ट नहीं किया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल पीएम मोदी ने कल जामनगर में सोनी प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अजी बांध पर डैम के दरवाजे खोल पानी को रिलीज किया। इसके कवरेज के लिए यहां एक कैमरा लगाया गया था। ये कैमरा दूरदर्शन का था, जहां से ये पानी डैम साइड से जोड़ा जाना था, उसके कवरेज के लिए नीचे नदी के साइड पर ये कैमरा लगाया गया था। हालांकि पानी आ जाने से कैमरा पूरी तरह पानी में बह गया, लेकिन गनीमत रही कि पीएम मोदी ने समय रहते कैमरामैन को वहां से हटने के लिए इशारा किया और पानी आते ही वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाने पर हाईकोर्ट ने कल केजरीवाल सरकार और तीनों नगर निगमों को फटकार लगाई। साथ ही नोटिस जारी कर पूछा कि इस जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। हाईकोर्ट की पीठ ने एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों निगमों को ठोस कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने सभी पक्षों से 9 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। एक अधिवक्ता ने याचिका दायर कर तेजी से बढ़ते डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार और निगमों को आदेश देने की मांग की थी। आरोप है कि इस साल डेंगू के 320 मामले आने के बावजूद समुचित कदम नहीं उठाए गए, जिसे डेंगू जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।